राशिफल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, दिनांक 19 जनवरी से 25 जनवरी 2020 तक। तो ये जो राशिफल है वो चंद्रमा की स्थिति पर आधारित है। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए 19 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, और 19 जनवरी को चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में यानी आपके सेकंड हाउस में रहेगी। सेकंड हाउस में चंद्रमा के रहने से आप अपने परिवार पर ज्यादा फोकस करेंगे, आप अपने आप पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे, और यहाँ पर चंद्रमा के होने से आपका धन के प्रति जो एक हम कह सकते हैं हमारा जो ध्यान है धन कमाने के प्रति वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। आप खर्चा भी करेंगे अपने परिवार के प्रति, इस समय में काफी खर्चा आपका हो सकता है। साथ ही यहाँ पर चंद्रमा के होने से आपके घर परिवार में काफी अच्छा माहौल रहेगा, शांति का माहौल रहेगा, और यहाँ से जो है चंद्रमा आपको काफी अच्छा सुकून दिलाएंगे घर में परिवार में काफी अच्छा सुकून, और आप कोई ऐसा कहीं पर जो है घर में इंजॉय कर सकते हैं इस वातावरण को इन दो दिनों को 19 और 20 जनवरी को। इसके बाद 21 जनवरी से आपके थर्ड हाउस में चंद्रमा चले जाएंगे, तो उस समय आप किसी भी प्रकार का छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, उनके साथ आपके रिश्ते काफी अच्छे रहेंगे। साथ ही आपके भाग्य को भी यहाँ से चंद्रमा सपोर्ट करेंगे, तो भाग्य का लाभ भी मिलेगा। और थर्ड हाउस में चंद्रमा के जाने से, धनु राशि में चंद्रमा के जाने से आपको कोई छोटी यात्रा के योग भी बन सकते हैं जो काफी अच्छी रहेगी, आपको काफी लाभ दिलाएगी। भाग्य इस समय में आपका काफी अच्छा साथ देगा। इसके बाद अगर हम देखें तो ये स्थिति 20 जनवरी तक रहेगी। 20 जनवरी के बाद हमने धनु की भी बात कर ली है, 21, 22 और 23 जनवरी तक की। तो 24 जनवरी को बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और शनि जो कि आपके थर्ड हाउस को छोड़कर फोर्थ हाउस में जा रहे हैं, अब यहां पर 24 जनवरी को ही मकर राशि में चंद्रमा भी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं आपके विचारों को जरूर प्रभावित करेंगे, और थोड़ा सा आपको डिसीजन मेकिंग में ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं रहेगी, थोड़ा सा आप सोच समझ कर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा देरी करेंगे। तो इस समय आपको सावधान रहना है। 24 जनवरी और 25 जनवरी दोनों ही दिन आपको आपकी माता से काफी लगाव रहेगा, और आप अगर कहीं घर से दूर रहते हैं तो घर पर वापस लौटने के आपके संकेत मिल रहे हैं, घर वापस आ सकते हैं, घर में काफी अच्छा माहौल एंजॉय कर सकते हैं, पर थोड़ा सा आपको मानसिक स्थिति जो है वो शनि और चंद्रमा के इस स्थिति के कारण थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकती है, थोड़ा मानसिक तनाव या आप डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फील जरूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो सबसे अच्छा समय है इस सप्ताह में वो रहेगा आपका 19 और 20 तारीख। उसके बाद जो सबसे खराब दिन, थोड़ा सा खराब हम कह सकते हैं, ज्यादा खराब तो नहीं, 24 और 25 जनवरी को ये जो दिन है दो दिन, इन दिनों में आपको मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखनी है। तो साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार हम आपको अगले सप्ताह का राशिफल जरूर प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर लें।